हाँ, क्या है? ओए ओए तो आज दो है वो भी इवनिंग में, लेकिन आज का व्लॉग फुल होने वाला है तबाही और फुल होने वाला है मजे का। तो एंड तक देखना और फुल करना है एंजॉय। लेकिन पहले हम लोगों ने आराम से जाके यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेने हैं, उसके बाद रियल फन स्टार्ट होगा। वीडियो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हो चुके हैं बिल्कुल रेडी और जैकेट वगैरह पहन लिए। सर्दी थोड़े ना गई है भाई जान, चलो कीस पकड़ते हैं। आज बातें नहीं करनी ज्यादा क्योंकि आज मैं बता रहा बहुत फन होने वाला है। पंखे को खोलते हैं और वेदर की सूरत हाल देखते हैं। ये तो ब्लर वेदर आ गया, नहीं अब सही आ गया वेदर। और गली में तो खैर कोई भी नहीं है, इतनी सुबह भी नहीं है, 12:15 का टाइम होगा, कोई खेल खोल नहीं रहा। वेदर क्यों आज इतना ठंडा नहीं है, मतलब कि ठंडा है जिससे ऑब्वियसली बात है धूप कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन हवा पहले लग तो नहीं थी। यहाँ से मैं फील हुई बहुत हल्की हल्की हवा चल रही है, जिससे कल परसों इतनी तेज़ हवा जो चल रही थी ना, आज वो नहीं है। शायद आहिस्ता आहिस्ता शायद धूप भी आज निकल है, फील हो रहा है, लेकिन यू नेवर नो। मौसम का सर्दियों में थोड़े ना पता चलता है। चलो बातें बहुत हो गई, मौसम की बहुत हो गई, यूनिवर्सिटी चलते हैं। भाई ने यहाँ पर लगा दिया, क्या खूबसूरत फ्रंट पर जगह मिल गया। यहाँ से आराम से निकालेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे सीधा आराम से। लेकिन अभी शाम को निकले के भजन दो लेक्चर है, वो भी इवनिंग के लेक्चर्स हैं, जिसका मतलब है कि इवनिंग तक भाई इधर ही है। लेकिन अभी जोहर का टाइम हुआ पड़ा और मैंने कहा था ना, मुझे लग रहा है सूरज निकल आएगा, नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन सूरज पड़ता नज़र आ रहा है, तो सूरज निकल आया बॉयज। आज का दिन अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। मौसम जो जिस तरह की कल परसों सर्दी थी ना, आज इस तरह की फील भी नहीं हुई आते हुए भी, और बड़ा खूबसूरत वेदर था। जैकेट पहनी थी जिसमें अच्छा और अच्छा लग रहा था, जैकेट जो कि आज हाथ पॉकेट में डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलो बातें बहुत हो गई, अभी हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर सीधा, और उसके बाद सीधा ग्रीन से होते हुए मस्जिद की तरफ। भाई पहुँच चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सामने रहा ग्रीन्स, वाइड एंगल में तो पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे टेंट्स लगे हुए, ओए हमारा आज पता नहीं यहाँ पे शायद कोई फंक्शन होगा, हमें क्या लेना देना, हम तो लेक्चर लेके निकलेंगे सीधा। अभी सीधा हम निकलते हैं ग्रीन्स की तरफ। ये पहुँच गया भाई ग्रीन्स के अंदर, और वो देखो यहाँ पे टेंट वगैरह लगे हुए हैं, कोई फंक्शन। यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं चल रही, पता नहीं किधर है अपने प्लेयर्स। ये अपने भाई ने बैट पकड़ा हुआ है और टेप टू बॉल आपस में, ये भाई बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं टेप बॉल के साथ। आई थिंक सो दिस इज व्हाट आई थिंक, बट आई कैन बी रॉन्ग। ओहो वहाँ पे वो देखो वो टेप बॉल चल रही, ओहो हैवी लंबा छक्का मारा है लेकिन पता ही नहीं चल रहा होगा आप लोगों को। ये आया भाई बॉल करने स्पिन बॉल, वो पड़ा यार वाइट। अपनी किस्मत क्या है चल रही है यार, आज देख के जाएंगे। दो तीन दिनों से जब भी हम बॉल कैप्चर कर रहे हैं वाइट ही जा रही है, आज हम लीगल बॉल एक देख के ही जाएंगे। दोबारा स्पिनर बॉल करेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑर्थोडॉक्स, और बॉल अच्छी होगी, यॉर्कर मारी खेली नहीं गई। एक शॉट देख लेते हैं फिर नमाज पढ़ने चलते, एक बॉल देखते हैं शॉट नहीं, इस पर लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो ठीक है। दोबारा से ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म आगे बढ़े, और बहुत उमदा बॉल बॉल्ड होने ते हुए बच गया। चलो मस्जिद भी आगे करीब नमाज पढ़ते हैं। ब्रो ये क्या है, यहाँ पे तो रश ही बहुत होता है लेकिन आज यूनिवर्सिटी फुल हाली लग रही है। चलो अपनी मस्जिद भी आ गई है चलते चलते। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली, और मैं बाहर निकलूँ जब अंदर जा रहा था मैं सूरज दिखा रहा था, अच्छा भला सूरज है, जैसे मस्जिद से बाहर निकलूँ बादल आए पड़े हैं, सूरज गायब हुआ पड़ा है। चलो अभी हम उतालिया पाकिस्तान का लेक्चर लेने बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ, लेक्चर लेता हूँ उसके बाद फिर मिलते हैं। चलो भाई डन विद द लेक्चर, मुतालिया का लेक्चर हो गया, हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर। लेकिन आपका भाई ज़रा निकल रहा है बाहर की तरफ, और यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं और फिर आपको ज़रा पार्किंग में पहुँचते आपको सुनाते हैं कि क्या सीन है और हम अभी क्यों निकल रहे हैं। और एक्साइटमेंट अभी से स्टार्ट हो गया क्योंकि मैं सुबह कहा था आज का ब्लॉग होने वैसे बहुत मज़े वाला है, तो निकल के बताता हूँ क्या सिस्टम है। आ चुके हैं यूनिवर्सिटी से बाहर, और ठंडी हवा चल रही है, ये तो भी मैं जैकेट बंद करता हूँ, अभी तो पैदल ही चल रहे हैं। अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि हमें हो गया छुट्टी, हम निकल रहे हैं घर, और सोशियोलॉजी का लेक्चर क्यों नहीं लेना। मैं सर गुजर रहे थे, मेरी सर से होगी बात,
क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं अली जैन भाई की तरफ और वहाँ पे करने वाला हमने फुल फन धमाल मचाना है। तो मैंने सर को बता दिया, मैंने कहा सर ऐसे जाना है, तो मैंने कहा सर अगर पढ़ना है आज इंपॉर्टेंट है कुछ, मैंने कहा आज बेटा कोई पढ़ाई पढ़ाना नहीं है, मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाना, ऐसे पुरानी रिविजन वगैरह करवानी है। मैं कहा सर तो मैंने जाना, सर कहते कोई बात नहीं बेटा आप जाओ, आई थिंक सो अटेंडेंस भी लग जाएगी, तो अटेंडेंस की भी कोई टेंशन नहीं। अब सीन फुल ऑन है, यहाँ से डायरेक्ट अली जैन भाई की तरफ जाएंगे, घर नहीं जाना। तो मैं बाइकों के पास भी पहुंच गया, सीन भी आप लोगों को फुल बता दिया, अब जल्दी से आगे लगाइए बाइक, बाइक पकड़ते हैं। ये पहुंच गए भाईजान हम अपनी पार्किंग में और आगे आपके भाई की बाइक लगी हुई है। चलो भाईजान अब पकड़ता हूँ मैं बाइक और आपको डायरेक्ट मिलते हैं अली जैन भाई की तरफ। हम कहाँ पर पहुंच गए, हम तो पहुंच गए अली जैन भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? यार मैं तो ठीक हूँ, छुट्टियाँ सर्दी की कैसी चल रही हैं? बस ब्रो, ओए ओए, अच्छा हाँ सचिन की तो और भी कह रहे हैं एक्सटेंड हो जाएगी। और आज यार सुबह हालांकि धूप निकली है लेकिन अब दोबारा से बादल और फुल सर्दी हुई पड़ी है, मैं वापस जाना, सर्दी लगी है मुझे। ब्रो आ जाओ यार, आप बैटिंग करो, मैं जरा इसको बॉलिंग ही करता हूँ यार, ला बॉल दिखा, इसको बैठ दे, इसको बैठ दे, आप बैट पकड़ो ब्रो, आज आपको आउट करते हैं। ठीक है ठीक है, ये बैट पकड़ ब्रो, ये इसके लिए छोटा बैट, वाह यार ये नया बैट और हमारे लिए वो बड़े वाला बैट। चल भाई चल अंदर चल, चलो भाई अब इसे बॉल करते हैं, देखते हैं इसे आउट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ब्रो आपको आप यार देखते हैं, स्लो बॉल इसे फेंकते हैं, अरे भाई ये तो टॉप एज लगा और पीछे का चौका तो नहीं, क्या पीछे का छक्का मार दिया, अरे ये तो प्लेयर ही हो गया। जा 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 दोबारा से एक और लिस्नैन ब्रो, 1 2 3 और अरे अरे यार ये तो मुझे ही छक्के मारी जा रहे, तू तो बहुत बड़ा प्लेयर बन गया यार। अभी तो अपना फन चल रहा है ओके है, लेकिन लेकिन असल एक्साइटमेंट ब्रो रात को है, असल एक्साइटमेंट है रात को, बस चांद निकल जाए रात हो जाए फिर जो फन होना है ना ओ लेवल हो जाना यार। फाइनली रात हो चुकी है, चांद निकल चुका है और कुछ एक्साइटेड होने वाला है। एक ब्रो आर यू एक्साइटेड? लेकिन असल फन है क्या, एक्साइटेड है क्या, मुंह से धुएं निकल रहे हैं, असल माल तो यहाँ पर है, ये जरा उठाया जाए। ओए यार ये क्या, अभी तो बनी नहीं, इसने होना है अभी ग्रिल और ग्रिल्स पे होने वाली है रेडी, फुल एडवेंचर फुल फन। ग्रिल्स का नाम लिया और ये शैतान बॉय, अरे अरे ये कहाँ पे छुपा हुआ है, ग्रिल्स के पीछे छुप गए भाई, ग्रिल्स के ऊपर अब सेटअप करते हैं इसका। कोयलों का यहाँ पे सीन ऑन है, लेकिन कोयलों का सीन ऑन किसने किया है, अरे भाई आपने कोयलों को बुझा दिया यार, लेवल है। और दो ओए फुल ग्रिल सीन यार, जब होना है ना मौसम ठंडा और ऊपर से आप बारबेक्यू करो, और ये और आपके साथ आपका डॉन ब्रो, ब्रो सलाम, ओके आहा क्या सीन है यार, ग्रिल्स में फिश रख दी गई हैं और नीचे से कोयले आ रहे हैं और इसे करेंगे अब फुल ग्रिल। ब्रो मुंह में तो पानी अभी से आने लग गया, अभी इसे कैसे कंट्रोल करें, लेकिन करना पड़ेगा यार, अभी ये थोड़ा टाइम, अब आपको पता है जो चीज मजे की होती है, जो मजे का फुल फन होगा वो टाइम तो थोड़ा लेगा, तो अब देखते हैं टाइम लेते हैं और क्या रिजल्ट निकलेगा ना, ओए वो तो दिखाएंगे और टेस्ट भी करेंगे। क्या लग रही है ब्रो, क्या लग रही है, यहाँ पर तो कुछ यहाँ पे रेडी भी पड़ी हुई है, अभी से हम दोनों कुछ खा ही ना ले, थोड़ी सी टेस्ट करें, आजा जरा हल्की हल्की सी टेस्ट करते हैं यार, आप भी करो और मैं भी पकड़ता हूँ हल्की सी थोड़ी सी, कैसी लगी ब्रो, मजा आया, मैं भी अभी किसी को पता ना चले, चुप हो जा, अभी यहाँ पर तैयार हो रही है, क्या लेवल चीज है, अभी इसको खाएंगे प्रॉपर, लेकिन इसे रेडी हो रही है ना, जो लुक चेक करो यार, लुक चेक करो, बहुत उम्दा, और साथ साथ सर्दी है ना तो यहाँ पे बैठो साथ साथ हाथ भी गर्म, और साथ साथ ये हो गई है तैयार, प्लेट को उठा लिया जाए, ओए क्या कोई मजे की चीज लग रही है, इसको लेके चलते हैं और फिर इसे करते हैं ट्राई, यार मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ब्रो ने अपनी प्लेट तो बना ली, हमने कहा हमें एक हैवी सी फिश दे दो, और यार ये गार्लिक नान लग रहा है, हैवी किस्म का कोई हैवी, अब करते हैं टेस्ट, जो इतनी मेहनत की है, जो इतना हैवी की है उसका असल टाइम अब आ गया। अलीजान आप ब्रो आप भी करो, मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले हल्का सा नान तोड़ते हैं, ओए नान बड़ा जॉइंट सा लग रहा है यार, हैवी गार्लिक लग रहा है, उसके बाद अपनी ये फिश, कांटे भी देख के, यस यस
ओए ओए क्या मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हैवी आ रहा है। ये अपना खूबसूरत सा बन गया बाइट। अब इसे करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रो एंड लेवल हैवी किस्म का बन गया। अब तो भाई जान बात नहीं होगी, अब हम खाने लगे हैं। खाने के बाद में मजा आ गया यार, पेट फुल हो गया है। और अरे अरे भाई ये क्या बोतल पीने लग गए? आपका भाई नहीं पीता बोतल और आप ही जरा ना पिया करो यार, ना पिया कर ब्रो। चल कोई बात नहीं, ये वीडियो तो फुल कमाल बनी है। आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर एनिमी के, तो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दुआओं में याद रखिएगा। चल आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।